जिस हमास का कनेक्शन केरल ब्लास्ट में खंगाला जा रहा है उसे नेस्तनाबूद करने के लिए इसराइल का गाजा पट्टी पर जवाबी हमला 24वें दिन भी जारी है और अब इसराइल के रडार पर है हमास के वो अंडरग्राउंड ठिकाने जिनका इस्तेमाल हमास इसराइल पर अटैक के लिए करता है। इन्हीं में शामिल है गाजा के दो बड़े अस्पताल भी। लड़ाकू विमानों से बमबारी, तोपों से गोलाबारी, मिसाइलों का अटैक, रॉकेट से हमला, टैंकों की गर्जन, इसराइल और गाजा की जंग में 24 दिन बाद भी यही चल रहा है। लेकिन अब फिलिस्तीन की रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इसराइल ने गाजा पट्टी में अल कुद्स अस्पताल के नजदीक बम बरसाया है। ये उसी बमबारी के बाद की तस्वीरें हैं, जिसके बाद अस्पताल के कमरे मलबे और धूल मिट्टी से भर गए हैं और खिड़कियां टूट गई हैं। फिलिस्तीन की रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है कि बमबारी से पहले इजरायली सेना की ओर से अस्पताल खाली करने को लेकर चेतावनी के लिए दो फोन कॉल्स आए थे। अगर ये दावा सच है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजरायल गाजा पट्टी में अल कुद्स अस्पताल को खाली क्यों करवाना चाहता है? क्या इसराइल को गाजा के अल कुद्स हॉस्पिटल के नीचे हमास का ठिकाना होने का शक है? इसे समझने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दो दिन पहले की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें गाजा पट्टी के एक अन्य अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल को हमास की आतंकी गतिविधियों का मेन हेडक्वार्टर बताया गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इनपुट पर तैयार इस एनिमेशन में दावा किया गया है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे जमीन के अंदर हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर चल रहा है। तो क्या अल कुद्स अस्पताल को लेकर जारी इसराइल की चेतावनी का भी इससे कोई कनेक्शन है? क्या अल कुद्स अस्पताल से भी हमास का अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलता है? मौजूदा हालात में ऐसे दावों पर कुछ भी कह पाना आसान नहीं है, लेकिन द पैनलिस्ट रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा संचालित अल कुद्स हॉस्पिटल के प्रशासन का कहना है कि हॉस्पिटल को खाली कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सैकड़ों मरीजों के अलावा अल कुद्स अस्पताल में 14,000 फिलिस्तीनी विस्थापित भी शरण लिए हुए हैं। बहरहाल इसराइल ने साफ कह दिया है कि वो गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 311 חיילי צה"ל ו-239 חטופים. אני רוצה להסביר את המספר הזה. अभी इजराइल का गाजा पट्टी में ऑपरेशन रात दिन जमीन और आसमान दोनों जगहों से चल रहा है। बॉर्डर की ओर और उससे परे भी इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि उत्तरी मोर्चे पर साउथ लेबनान से हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों का भी इसराइल माकूल जवाब दे रहा है। इसराइल के जवाबी हमलों से दक्षिण लेबनान धुआं धुआं हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।